हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कैरियर लैडर। तो वी स्टार्टेड वी कवर्ड द थर्ड चैप्टर ऑफ बी हाई क्लास नाइन्थ इंग्लिश बुक, द चैप्टर नेम्ड द लिटिल गर्ल। इन द लास्ट वीडियो वी कवर्ड इस फर्स्ट हाफ एंड हेयर इज इट्स पार्ट टू। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में एक छोटी सी बच्ची है, केजिया, ठीक है, जो अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती है। तो उसके पापा का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक। तो उसकी जो ग्रैंड मदर है, उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि वो अपने पापा के लिए एक पिन कुशन बनाए फ्रॉम ए ब्यूटीफुल क्लॉथ ऑफ येलो सिल्क। तो वो क्या करती है, एक कुशन बनाती है। उसने क्या किया, उसकी थ्री साइड्स को सीव कर दिया, लेकिन उसमें फिल करने के लिए अब वो कुछ चीजें ढूंढ रही है। तो उसको मदर के रूम में, मदर के बेडरूम में उसको कुछ फाइन शीट्स मिलती हैं, और जिसको वो क्या करती है, जिनको फाड़ के वो उस कुशन को पूरा कर देती है, कुशन में फिल कर देती है, उसकी फोर्थ साइड को सीव कर देती है। अब क्या होता है, वो उसके जो फादर हैं, उसके फादर की जो स्पीच है, जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखी गई थी, वो घर में खो गई थी। तो वो घर में अब उसको ढूंढ रहे हैं, रूम्स को सर्च किया गया, सर्वेंट से क्वेश्चन किए गए। तब उसकी मदर ने केजिया से पूछा कि केजिया, क्या तुमने कुछ कागज देखे थे हमारी टेबल पर रखे हुए? तो केजिया ने बताया कि हाँ, वो उस कागज को तो उसने उनको फाड़ कर अपने कुशन में भर दिया। तो अब आगे क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। ड्रैग्ड डाउन टू फोर्स समवन इन एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। और अब केजिया को नीचे खींचकर लाया गया वहां जहां उसके पापा पेसिंग टू एंड फ्रो इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को अपने पीछे अपनी बैक पर रखे हुए। वेल ही सेड शार्पली, वो तेजी से कहते हैं, लाउड वॉइस में कहते हैं, वेल मदर एक्सप्लेन, मदर ने सब चीजें एक्सप्लेन कर दी। ही स्टॉप एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, वो रुके और अपने बच्चे को उन्होंने स्टेयर किया। डिड यू डू दैट, वो पूछते हैं, क्या तुमने ऐसा किया? शी विस्पर्ड, वो धीरे से बोलती है, न न नो नो, स्टटर करके हुए बोलती है, नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट्स दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तो वो अपनी मदर से कहते हैं, मदर इसके कमरे में जाइए एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग, ठीक है। और इस डैम्ड थिंग को, डैम मतलब ये होता है समथिंग जो हेट्रेड हो, यानी वो बहुत नाराज हो गए थे अपनी बेटी से, तो उसको डैम्ड थिंग कह रहा है कि इसको ले जाइए और देखिए, चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और अभी बिल्कुल इसी वक्त इस बच्चे को बेड पर सुला दीजिए। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शेडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब केजिया ने क्या किया, केजिया अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए रोती रही, बहुत ज्यादा रो रही है। शी ले इन द शेडो रूम, वो अंधेरे कमरे में लेटी हुई है, वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और इवनिंग लाइट को देख रही है, जो फ्लोर पर पैटर्न बना रही है, लिटिल पैटर्न बना रही है। देन फादर केम इन टू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स। ओहो, अब क्या होता है, अब पापा उसके कमरे में आते हैं और उनके हाथों में एक रूलर होता है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड, वो कहते हैं, अब मैं तुम्हें तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूं। शी स्क्रीम्ड, ओ नो नो, वह चिल्लाती है, ओ नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, और वो अपने आप को बेड क्लोथ के नीचे छिपा लेती है। बेड क्लोथ का मतलब बेडशीट्स वगैरह जो बेड के क्लोथ होते हैं, उनको बेड क्लोथ कहा जाता है। ही पुल्ड देम असाइड, तो उसके फादर ने बेड क्लोथ को खींचकर एक तरफ को रख दिया। सिट अप, ही ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर दिया, सिट अप, बैठो, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथों को सामने की तरफ फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें एक बार ये सिखाना बहुत जरूरी है कि उन चीजों को नहीं छूना है जो चीज तुम्हारी नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बबा बर्थडे, तो केजिया कहती है, बट ये आपकी बर्थडे के लिए था। बस डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, अब उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जो उसकी छोटी सी पिंक पाम थी, पिंक हथेली थी, उन पर रूलर आके लगा, यानी उसके पापा ने उसके हाथों पर रूलर मार दिया। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इनटू ए शॉल एंड रॉक्ड हर
In the rocking chair, the child clung to her soft body. Rocked means to move gently to and fro, yeah, side to side. And rocking chair is chair mounted on rockers, yeah, spring, so that it can move backward or forward while sitting. Hours later, यानी काफी टाइम बाद, घंटों बाद, जब दादी ने उसको शॉल में रैप कर दिया और उसको रॉकिंग चेयर में अपने पास बिठा लिया और उसको उसको झुलाने लगी, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. क्लंग मीन्स टू ग्रेस्प टाइटली, और वो केजिया जो है दादी की सॉफ्ट बॉडी से टाइटली चिपक गई, यानी अपनी दादी की जो बॉडी को है टाइटली होल्ड कर लिया. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉल, शी सोप, वह सिसकियां भर रही है तो वो कहती है ये गॉड ने फादर्स क्यों बनाए हैं. हेयर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, दादी कहती है लो ये साफ हैंकी लो, ब्लो योर नोज, अपनी नोज को पोंछ लो, गो टू स्लीप पेट, बेटे प्यार से कहती है सो जाओ, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक सब कुछ इसके बारे में भूल जाओगे. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने तुम्हारे पापा को एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो आज रात इतने अपसेट हैं वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट गॉड, लेकिन जो बच्ची है वो इस बात को कभी नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, अगली बार जब उसने अपने पापा को देखा उसने क्विकली अपने दोनों हाथों को अपनी बैक के पीछे कर लिया और उसके गाल जो है डर की वजह से लाल हो गए. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, ये जो मैकडोनल्ड्स हैं ये केजिया के नेबर हैं. लिव्ड नेक्स्ट डोर, ये अगले ही घर में, बराबर वाले घर में, साथ वाले घर में रहते थे. दे हैड फाइव चिल्ड्रन, इनके पांच बच्चे थे. लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. फेंस ए बैरियर, रेलिंग है वुड की या वायर की बनी हुई, ठीक है. तो जो फेंस थी उस फेंस के बीच में एक गैप में से जो केजिया है वो झांकती है, देखती है, उनको देखती है प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, की शाम को वो सब जो है अपने फादर के साथ में टैग खेल रहे हैं. टैग क्या है, ए चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, यानी एक दूसरे को पकड़ने का जो गेम गेम है टैग, वो बच्चे जो है अपने पापा के साथ खेल रहे होते हैं. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, जो फादर है जो मैकडोनल्ड है उनका एक बेबी है जिसका नाम माओ है, वो उनके कंधों पर बैठा हुआ है. टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रेन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, दो छोटी लड़कियां हैं जो उनकी कोट की पॉकेट से लटकी हुई हैं और फ्लावर बेड्स के चारों तरफ दौड़ लगा रही है. शेकिंग विद लाफ्टर, और खूब हंस रही है, ठीक है, लाफ्टर के साथ. शेकिंग शेकिंग विद लाफ्टर मतलब हंसी खुशी जो है वो रनिंग कर रही है फ्लावर बेड्स के चारों ओर. वन शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, होज का मतलब है पाइप फॉर वाटरिंग प्लांट्स. एक बार उसने देखा जो उसके बेटे हैं जो मैकडोनल्ड्स के जो बच्चे थे उन्होंने होज जो है मैकडोनल्ड की तरफ को कर दिया. एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उन्होंने क्या किया, वो नाराज नहीं हुए बल्कि उनको पकड़ने की कोशिश करने लगे वो भी हंसते हुए. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उसने ये डिसाइड किया कि इसका मतलब डिफरेंट टाइप के फादर्स होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन अचानक क्या हुआ, जो केजिया की मदर है वो बीमार हो गई. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी मदर और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल चले गए. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, जो छोटी बच्ची है वो घर में अकेली रह गई एलिस के साथ, एलिस उनके कुक का नाम था. That was all right in the daytime. दिन में तो सब कुछ ठीक था. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब Alice उसको बेड पर ले गई, उसे सुलाने की कोशिश करने लगी, she grew suddenly afraid. वो अचानक से डर गई. What will I do if I have a nightmare? Nightmare का मतलब bad dreams. She asked. वो पूछती है, मैं क्या करूंगी अगर मुझे कोई सपना आया तो, मैंने कोई सपना देखा, कोई बुरा सपना देखा तो. I often have nightmares. Then Granny takes me into her bed. मुझे अक्सर bad dreams आते हैं और तब दादी क्या करती हैं? दादी मुझे bed पर ले जाती हैं. I can't stay in the dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. It all gets whispery.
विस्परी मतलब साउंड विथ फ्लो फ्लो वॉइस, मुझे अक्सर आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस कहती है तुम बस सो जाओ बेटा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स उतार देती है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम चीखना मत और बेचारे अपने पापा को जगा मत देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही पुराना जो बुरा सपना था वो उसको आया, दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। अब उसको सपने में देखा उसने कि बूचर है जिसके हाथ में एक चाकू है, एक रोप है। बूचर क्या होता है? पर्सन हु कट्स अप एंड सेल्स मीट, जो पास आ रहा है, जो केजिया के पास आता जा रहा है, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल ड्रेडफुल स्माइल, ड्रेडफुल मतलब टेरिबल स्माइल के साथ, ठीक है। व्हाइल शी कुड नॉट मूव एंड कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंड मा ग्रैंड मा। अब वो क्या हुआ, जब उसने सपने में उस बूचर को देखा तो वो मूव भी नहीं कर सकी, केवल उसने सपने में देखा कि वो खड़ी ही है और जोर जोर से चिल्ला रही है ग्रैंड मा ग्रैंड मा। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड ए कैंडल इन हिज हैंड। अब वो सपने से जब वो चिल्लाने लगी ग्रैंड मा ग्रैंड मा, तो वो नींद से जाग गई। तो वो क्या कर रही थी? शिवरिंग का मतलब है कांपना, ठीक है। अपने वो कांपती हुई जाग गई और उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो उसके पापा हैं उसके बेड के पास खड़े हुए हैं और उनके हाथों में ये कैंडल है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, वो पूछते हैं क्या बात है। ओ ए बूचर ए नाइफ आई वॉन्ट ग्रेनी, वो कहती है ओ मतलब मैंने एक बूचर को देखा, एक नाइफ को देखा, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। तो उसके पापा ने क्या किया, उसके पापा ने कैंडल को ब्लू आउट कर दिया, बुझा दिया, बेंट डाउन, और वो झुके, उन्होंने अब बच्चे को अपनी आर्म्स में, अपनी बाहों में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको एक पैसेज से होकर एक बड़े से बेडरूम में ले गए। ए न्यूज पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर एक न्यूज पेपर रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को अलग रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, टक्ड अप मीन्स कवर्ड अप नाइसली इन बेड, और बच्ची को बेड पर लिटा दिया और उसको कवर अप कर दिया, यानी बेडशीट वगैरह से कवर कर दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वे उसके पास में लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। हाफ एस्लीप स्टिल, वो अभी तक जो है पूरी नींद में नहीं थी, हाफ एस्लीप थी यानी आधी ही नींद थी उसकी। स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, और उसको अभी तक बूचर की स्माइल ही उसको अपने चारों तरफ दिखाई दे रही थी। शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। स्नगल्ड मीन्स मूव्ड इनटू ए वार्म कंफर्टेबल पोजिशन या क्लोज टू अनदर पर्सन। तो वो शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, वो धीरे धीरे अपने पापा के पास सरक गई। स्नगल्ड हर हेड, और अपने सिर को जो है उनकी आर्म के नीचे रख लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को टाइटली होल्ड कर लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब जब उसने ऐसा किया, वो अपने पापा के पास लेट गई, तब अंधेरे का कोई मतलब नहीं रहा, यानी अब अंधेरे से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। शी ले स्टिल, वह शांति से लेटी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वॉर्म सेड फादर। तो फादर कहते हैं अपने पैरों को मेरी लेग्स से रब कर लो और उनको वार्म कर लो। टायर्ड आउट ही स्लीप ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल। अब उसके पापा इतने ज्यादा थके हुए थे कि वो केदिया से पहले ही सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, जब उसने देखा कि उसके पापा तो उससे पहले सो गए हैं, तो उसको एक फनी सी फीलिंग हुई। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। अब वो सोचती है पुअर फादर, बेचारे पापा इतने बड़े भी नहीं है और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वे दादी से भी ज्यादा हार्ड थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन जो उनकी हार्डनेस है वो अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड। तो वो सोचती है इस बारे में कि वो उनको कितना काम करना पड़ता है एवरी डे, और वो इतने थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड तो नहीं बन सकते। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग। अब उसने क्या किया था, उसने अपने पापा की ब्यूटिफुल राइटिंग को फाड़ दिया था। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, स्टर्ड मीन्स टू मूव स्लाइटली, एंड साइड
डीप ऑडिबल ब्रीथ एक्सप्रेसिंग सैडनेस। शी स्टीयर्ड सडनली, अचानक से वो थोड़ी सी मूव किया उसने एंड साइड, और जो है चैन की सांस ली उसने। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। उसके पापा पूछते हैं क्या बात है, कोई दूसरा सपना देखा? ओ सेड द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल कहती है माई हेड इज ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है, मेरा जो हेड है आपके हार्ट के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसकी आवाज यानी आपके हार्ट की आवाज जो है उसको सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, प्यारे पापा कितना बड़ा दिल है आपका। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आपको लगा कि एक बच्चा जो बहुत अपने पापा से डरता है और उसको समझ में आता है कि इसके पापा का जो उसने कागज वगैरह जो फाड़ दिए थे उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की थी, ठीक है? तो वो अपने पापा को समझने लगी थी कि उसके पापा भी इतने बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने इस स्टोरी से अपने आप को रिलेट किया होगा। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए बाय बाय।